हाँ सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यू पी एस सी यू ट्यूब चैनल इफ योर प्रीपेरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से आप लोग जरूर से जुड़ें तो एक इंपॉर्टेंट सीरीज भी आई एम कवरिंग अलोंग विद द फाइव एम सीरीज जो करंट अफेयर्स का है एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट स्पीसीज़ ये पी है जिसमें सारी ऑलमोस्ट स्पीसीज़ कवर्ड हैं और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे अराउंड इफ यू स्टडी अबाउट इट लगभग फोर टू फाइव क्वेश्चन हर साल आते हैं तो ये स्पीसीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी है तो बहुत हेल्प मिलेगी प्रलिम्स के लिए सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे पहला उड़ीसा है इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर्स वे हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड तो स्पीसीज़ नाम से एक प्ले भी है या फिर फाइव एम सीरीज़ में भी यू विल फाइंड यू विल फाइंड जो भी टॉपिक्स हमने पहले डिस्कस कर रखा है स्पीसीज स्पेशल कैटेगरी के अंदर सो so, उड़ीसा के अंदर देखते हैं तो देखो कुछ रिपीटेड भी हैं बिकॉज जैसे सांभर है वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो लाइक दिस इज दिस इज सांभर तो ये इस तरीके से थोड़ा ऊपरी हिस्से में इसकी बॉडी भी इसमें फर होते हैं इसके सींग बड़े होते हैं और पहली बार इसको और इट हैज़ बीन फर्स्ट डिस्क्राइब बाय केर इन सेवनटीन नाइनटी टू के अंदर इसको डिस्क्राइब पहली बार किया था एंड यहाँ पे ब्रोटाइंस फॉर्म एक्यूट एंगल ये सब इतना डिटेल तो याद नहीं रहेगा जनरली जो बॉडी कलर है वो ब्राउन ये लोविश आपका होता है सो यू कैन फाइंड इट लाइक ये थोड़ा ब्राउनिश है नीचे हल्का सा वाइटिश और ब्राउनिश दोनों होता है बड़े इसके जो हॉर्नस जो होते हैं वो बड़े आपके होते हैं एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे तमिलनाडु है उत्तर प्रदेश है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ भी है और टिपिकल फॉरेस्ट डवेलिंग जो डियर्स हैं और दिन के टाइम पर और रात के टाइम पर दोनों टाइम पर यह एक्टिव रहता है तो ये यूनिकनेस है लाइक इससे पहले हमने बहुत सारी स्पीसीज की हैं ज्यादातर जो स्पीसीज हैं या तो दिन के टाइम पर डायरनल हैं या नॉक्टोरल है इट मींस जो अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं वो रात को करती हैं बट इट हैज़ अ वेरी यूनिक थिंग दैट इसके जो हैबिटाइट्स की बात करें तो ये उसमें एक्टिव रहता है डायरनल और नॉक्टोरल दोनों उसमें देखा जाए मेन थ्रेट अगेन अगर देखा जाए तो जो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन एक मेन थ्रेट है ह्यूमन इंटरफेरेंस एक मेन थ्रेट है आ, मतलब जो भी हमारे द्वारा एक्टिविटीज़ होती हैं देर दैट इज द मेन थ्रेट फ्रेंटलर स्किन है मीट है, है ये आपका मीट uh, है ये आर कमर्शियली यूज्ड बाय लीगल पोचिंग पॉपुलेशन जो है इसकी डिक्रीज हो रही है और ये शेड्यूल थ्री में इंडियन प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है देखो शेड्यूल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये छह शेड्यूल्स हैं होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तो यू नीड टू नो जैसे हाइस्ट लेवल प्रोटेक्शन इज गिवन जो भी स्पीसीज आपके शेड्यूल वन के अंदर आती हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की ये शेड्यूल थ्री के अंदर कंजर्वेशन स्टेटस इसका वनरेबल है स्टेट बर्ड देखें उड़ीसा में तो ये बर्ड है ब्लू जे और इंडियन रोलर नाम है ये अगर आप देखोगे तो अगर इफ़ सी द इमेज तो ये ब्लैकिश सी है ऊपर थोड़ा सा भी ब्लैकिश, तो डार्क ब्लू टाइप है। नीचे लाइट ब्लू कलर है इसकी जो नीचे, नीचे का जो हिस्सा है और पंख भी अगर देखोगे थोड़ा ग्रेइश सा इसका पंख भी है सो साइलेंट फीचर इट इज लाइक मोर और लेस द साइज ऑफ अ पिजन और इसका जो लेंथ है दैट इज अप्रॉक्स थर्टी वन सेंटीमीटर यह ब्राइट ब्लू, ब्लू बर्ड है विथ द बिगेस्ट हेड इफंड Uh, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो बर्ड है रेजिडेंट बर्ड है फाउंड थ्रूआउट इंडिया हैबिटेट की बात करें दे आर फाउंड इन ओपन कल्टिवेशन ग्रुप्स ऑफ ट्रीज लाइट फॉरेस्ट एंड इसका जो एक्टिविटी है डायरनल है मेन जो इसका फूड है इंसेक्ट है फ्रॉक्स लिजर्ड स्मॉल स्नैक्स ये इसके मेन है नंबर इज नॉट अलार्मलिंग लोअर लेकिन जैसे मेनली जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनकी वजह से काफ़ी अधिक वी कैंस कि जो नंबर्स हैं वो आपका डिक्रीज हो रहे हैं एंड ये शेड्यूल फोर के अंदर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के और इसका कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न के अंदर है पंजाब में देखते हैं पंजाब में ब्लैक बग है इसके बारे में हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लेकिन फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा तो ये देखो ब्लैक बग में जैसे दिस इज़ द आई थिंक मेल है ये वाइटिश है नीचे इसके बड़े हॉर्न्स होते हैं सिंगल हॉर्न्स होते हैं इस टाइप से और ऊपर ब्लैकिश सा होता है पैर भी अगर आप देखोगे थोड़ा पतले और प्लस वाइटिश और ब्राउनिश दोनों मिला के मतलब ब्लैकिश और वाइटिश कलर के कॉम्बिनेशन होता है नीचे हिस्से में आपका जो व्हाइटिश कलर होता है सो so, जो मेल है इट हैज़ अ लॉन्ग ट्विस्टेड और हॉर्न्स प्रेजेंट आपके होते हैं और फीमेल हॉर्नलेस होती है तो ये फैक्ट याद रखना इसे हम वी ऑल्सो से कि जैसे ये एक डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है मेल इज़ डिफरेंट फीमेल इज डिफरेंट इनका दोनों देखने में थोड़ा सा वेरी करते हैं लेकिन ईजिली आइडेंटिफाई कुछ स्पीसीज होते हैं जिसमें मेल फीमेल इतना जल्दी से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं सो so, यहाँ पे बेसिक यू कैन फाइंड यू कैन सी कि अच्छा ये हॉर्न इसके नहीं है सो so, इसका इस टाइप का फीचर है इट्स अ इट्स अ फीमेल और जिसके है तो तो वहां पे, ओ दैट्स मेल तो यहां पे एक शब्द आप याद रखना इसमें तो सेक्शुअल डायमोफिजम है सेक्सुअल डायफॉर्मिज़म का यही है तो मेल फीमेल दोनों देखने में आपका अलग रहता है बाकी इसके थोड़ा सा जो मैंने बताया पिक्चर आप थोड़ा सा जैसे आप क्या कर सकते हो कि अपने नोट्स में जैसे अगर आप प्रिपेयर करते हो तो जस्ट यू हैव टू डू कि गूगल इमेज में जाके जानवर के जो स्पीसीज है जो भी है उसको आप सेव कर सकते हो इमेज को जो कंटेंट हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हो तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन जस्ट है ना आप तेईस का भी क्वेश्चन आप देख लो जो कंटेंट अभी हम डिस्कस कर लेंगे जब सारी स्पीसीज कंप्लीट हो जाएंगे आप सारे क्वेश्चन हैंडल कर लोगे यू से आए हुए हैं और उन क्वेश्चन में अगर आप अच्छा करोगे दैट विल बी अ ग्रेट थिंग तो ये समझना है आ, तो इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो दिस ब्लैक बर्ग आर्कल्स थ्रू आउट इंडिया फ्राम वेस्ट बंगाल से लेके पॉइंट कैलम्बर राजस्थान पंजाब हरियाणा और ये सारे एरिया में हैं एंड लाइक ये दस से पचास के ग्रुप में आपका आप आपके रहते हैं देखिए हैव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर तक की ये स्पीड तक आपका रीच आ, कर सकता है और ऑल्सो ये जंप करके ऐसे मतलब जो है रन करता है उसके बाद इसका जो प्रिफर्ड हैबिटेट है एरिड सेमी एरिड एरिया है या फिर विथ ओपन ग्रास लैंड है वेस्ट लैंड है विथ द थिन कवर सोशल और ग्रिगरियस एनिमल्स जनरली यूज ओपन ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग मतलब ये ओपन ग्रास लैंड है उसको ये प्रिफर करते हैं डायरनल है मतलब दिन के टाइम पर ज़्यादा आपके एक्टिव रहते हैं और जहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड की uh, या थ्रेड की बात करें तो जनरली वही ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हैबिटेट का uh, जो है रिडक्शन हैबिटेट uh, जो है रिड्यूस हो रहा हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन पोचिंग एक्टिविटी हंटिंग एक्टिविटी ये सारे

ईस्टर्न गोस्वाक बर्ड है जैसे इफ़ यू विल फाइंड दिस इज ईस्टर्न यू ये एकदम देखोगे तो इट लुक लाइक ए हॉक मतलब जैसे बाज होता है ना वैसा देखने में ये लगती है तो इसकी जो बीक है या चोच जिसे बोलते हैं तो ऊपर येलोविश और थोड़ा सा ब्राउनिश सा होता है ऊपर ऊपरी हिस्सा भी पूरा ब्राउनिशा यू कैन फाइंड इट आउट नीचे का हिस्सा थोड़ा व्हाइटिश और ब्राउनिश का कॉम्बिनेशन होता है इसकी ये जो है पंख ये आपका थोड़ा ब्लैकिश इसका लुक रहता है तो ये कुछ ऐसे इसके फीचर्स हैं तो बर्ड इज़ डार्कर एंड प्योर ग्रे अब विथ वेरी लिटिल तो ये मतलब थोड़ा सा अगर इमेज आपके माइंड के अंदर है जनरली दे कैन ऑल्सो आस्क जैसे मान लो ये भी ट्रेंड हो सकता है कि दे जस्ट गिव द फीचर्स एंड दे आस्क क्योंकि ये कौन से जीव के बारे में बातचीत आपकी हो रही है वी नीट टू नो कि अच्छा ये इसके बारे में बात हो रही है सो so ये जो बर्ड है ये हायर एल्टीट्यूड में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पाई जाती है एंड ये पंजाब में इट इज़ नॉट साइटेड इन पंजाब फॉर लॉन्ग टाइम पहले पंजाब में भी थी विंटर्स में बात करें तो नदर इंडिया बर्मा और चाइना में आपकी पाई जाती है यहाँ पे पाई जाती है द बर्ड वॉज एसोसिएटेड विथ टेंथ गुरु गोविंद एंड दिस सीम्स टू बी द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन मतलब आप खुद सोचो गुरु गोविंद सिंह हैं तो उनसे जुड़ा हुआ है और पंजाब में ही अब ये देखने को ज़्यादा आपको नहीं मिलती है कई फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एफर्ट्स जो हैं कैरी आउट किए गए थे कि इसके जो ब्रीडिंग है उनको की जा सके जिस इसके नंबर को इंक्रीज़ किया जा सके पंजाब गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि लेट्स इंक्रीज द नंबर किसी तरीके से बट अब वही एक डेडिकेशन तो चाहिए ही उसके बाद ही हम इसके प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिग्निफिकेंस इस बर्ड का बहुत है जैसे खास तौर से जो सिख कम्युनिटी हमारी है तो उनके लिए इट्स इट हैज़ अ ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्योंकि क्यों गुरु गोविंद हुआ है तो ये है नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के अंदर राजस्थान में चिंकारा चिंकारा है तो चिंकारा दिस इज चिंकारा तो इसके बहुत ही ऐसे पतले पतले से हॉर्न होता है पतली गर्दन होती है व्हाइटिश और ये जो है इस टाइप से जैसे ये पीछे अगर आप देखोगे तो ये वाइटिश और ब्राउनिश कॉम्बिनेशन जो है वो आपका रहता है ठीक है वाइटिश और ब्राउनिश है कान ऐसे हैं तो ये ऐसा पतला सा ऐसे चिंकारा शब्द इसके लिए जनरली हम यूज़ करते हैं सो इट्स अ स्लेंडर बॉडीड एंटीलोप है और इसका मतलब फीचर तो मैंने आपको बताई दिया है वो आप देख लेना चिंकारा जो है नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है दे आर एडाप्टेड टू लिव इन थिन कवर्ड फॉरेस्टेड एंड एंड रॉकी स्क्रब रीजन मतलब जहाँ देखो जहाँ सैंडून वाले एरिया है सेमी एरिड एरिया है वहाँ पे ये आराम से रह सकते हैं और लीव्स ग्रासेस और ये सब चीज़ें ये आपका खाते हैं ये ऑल्सो नॉक्टोरल्स हैं रात के टाइम पे एक्टिव ये रहते हैं वाटर्स जो हैं वेजिटेशन से ये डिराइव आपका जनरली uh, करते हैं और जैसे इस इसको मार के खाने वाले जैसे लाइक यू हैवे स्मॉल कैट जैकाल्स कैराकल वोल्फ्स ये सब हैं ये प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन इट हैज़ बीन गिवन शेड्यूल वन के अंदर है तो हाइएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन है कंजर्वेशन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है फिर है आप यू हैव अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये है इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ अ वल्चर के टाइप है अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैवी बर्ड होती है और जैसे ये जब उड़ती है तो आज के टाइम पर क्या देखें

वन ऑफ साइट्स के अंदर आपका इसको इंक्लूड किया गया है सिक्किम में देखते हैं सिक्किम में द फर्स्ट इज रेड पांडा ये भी याद रखना है यू कैन मतलब इमेजिन कर सकते हो पांडा शब्द यूज करते ही तो यू कैन थिंक कि अच्छा ये चाइना या फिर ऐसी जगह पे पाया जाता है बट रेड पांडा ये आपका सिक्किम के अंदर भी पाया जाता है उसका स्टेट एनिमल भी है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है तो पांडे का पांडे नहीं सॉरी पांडा का जो कैरेक्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है देखो ये पूरा वाइटिश साइज का है है ना ये नोज तो ब्लैक है और ये वाइटिश और थोड़ा ब्राउनिश का कॉम्बिनेशन पूरा फेस के अंदर है आपके ऊपरी हिस्सा इफ़ यू फाइंड दैट जैसे ऊपर थोड़ा ब्राउनिश है नीचे साइड इफ विल फाइंड इट इज़ ब्लैकिश तो ये इसे रेड पैंडा शब्द जो है रेड पैंडा शब्द इसके लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है और मेनली आसाम अरुणाचल प्रदेश मिसमी हिल्स रीजन है सिक्किम दार्जिलिंग इन एरियाज़ में प्रेजेंट है एंड ये सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है ठीक है तो जैसे बैम्बू थिक्ड जो है आ, ऐसे रीजन में जहाँ बैम्बू प्लांट्स हों और जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट है थोड़ा थोड़ा ठंडे इलाके में ये पाया आपका जाता है जनरली पेड़ों में रहता है नॉक्टोरल है रात के टाइम एक्टिव होता है और मेन फूड वही बैम्बोज प्रॉपर स्प्राउट ग्रासेस रूट्स है तो मतलब ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट है इसकी इट ऑल्सो फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स भी ये खा लेता है देन uh, इसकी प्रोटेक्शन इफ़ यू फाइंड द प्रोटेक्शन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन के अंदर मतलब हाइस्ट लेवल की प्रोटेक्शन है इसके पास एंड कंजर्वेशन स्टेटस इज वर्नेबल और अपेंडिक्स वन साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है नेक्स्ट देखते हैं ब्लड फीसेंट करके है तो ये जो बर्ड है इफ़ यू फाइंड इट तो ये भी ऐसा हेन की तरह देखने में लगती तो अब इसका इनको असली इमेज नहीं मिलाती है ऐसा कोई ड्राइंग वाली इमेज है अभी बच्ची कि नहीं पता नहीं देखो इसके पैर बहुत ही रेडिश कलर के होते हैं पीछे जो इसके पंख है वो भी रेडी रेड कलर से होता है फिर ग्रीनिश नीचे होता है ऊपर विल सी तो थोड़ा ब्लैकिश सा आपका रहता है तो यूनिक बर्ड है ये और मेल फीमेल दोनों में अंतर होता है मतलब सेक्शुअल डायमोफिजम भी इसमें देखने को मिलता है जैसे ये मेल है और ये फीमेल आपकी प्रेजेंट है तो ये इसका बहुत मतलब यूनिक फीचर है तो दो फीमेल है दैट इज इज ब्लैक brown and finely vermiculated. डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू फाइंड इट मेनली दार्जिलिंग सिक्किम में ही ये पाई आपकी जाती है तो ये थोड़ा यूनिक आप यू कैन से और फिर ये मॉस मॉसफन पाइन शूट लाइकन इनको ये खाती है एंड किसी भी शेड्यूल वन के अंदर मतलब मतलब इसे भी हाईएस्ट लेवल का जो प्रोटेक्शन है वो मिला है कंजर्वेशन स्टेटस इसका भी लीस्ट कंसर्न आपका है तो ये ध्यान में रखना है अगेन जो क्लासेस हमारी करंट अफेयर्स की ये शुरू हो रही हैं और ये ऑलरेडी हमारे शुरू हो चुके हैं तो आप लोग ये क्लास करने के लिए याद रखना वेब डॉट सौरभ पांडे यूपीएससी डॉट कॉम के अंदर आपको क्लासेस मिल जाएंगी या फिर ऐप में आप जाके अपनी क्लासेस कर सकते हो डेली बेसिस में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आपको अवेलेबल है साढ़े नौ बजे मिस नहीं करना है आप जब भी ज्वाइन करें बट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके लिए दो हजार की तैयारी कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना है और यह सारे पॉलिटी इकोनॉमिक जोग्राफी एन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशन जितने भी सब्जेक्ट यू कैन सी सारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं इस इसमें कवर होंगे सारे कंटेंट को कवर किया जाएगा जो कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है मतलब ये वो कोई वन लाइनर नहीं होगा बट सब्जेक्ट वाइज जो सारा डिस्कशन इन सारे एरिया से आपका होगा ठीक है सो मतलब जो भी न्यूज में और रहेंगे यू विल फाइंड द कंटेंट है ना जैसे अगर आप हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं हिंदू का सेशन आता है तो यूनिड यू कैन फाइंड किस टाइप से कवरेज किया जाता है जो यूपीएससी रेलिवेंट कंटेंट है तो अभी थर्टी परसेंट ऑफ वाला ऑफर भी है तो आप लोग अपना ज्वाइन कर लेना और क्लासेस आप जितनी भी हो रही हैं उनको भी आप एक्सेस कर पाएंगे तो ये कोर्स मिस नहीं करना है 2024 के जो तैयारी कर रहे हैं दे हैव टू ज्वाइन दिस कोर्स ठीक है तो ये ध्यान रखना है इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अभी सी का कोर्स एक्टिव है फ्री करंट अफेयर कोर्स एक्टिव है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स भी एक्टिव है और कल हमारा सेवनटीन टेस्ट हो चुका है इस संडे को हमारा एटीनथ टेस्ट जो है वो आपको आ जाएगा ए रिपोर्ट का कोर्स एक्टिव बाकी अभी कोई ज्वाइन नहीं करना सिर्फ ये कोर्सेस एक्टिव हैं इन्हीं को करना है ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारा मिल जाएगा ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा और अगर क्लासेस करनी तो ऐप के माध्यम से या फिर वेब डॉट सौरपांडे यू पी एस सी डॉट कॉम पर भी आप क्लासेस कर सकते हैं सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू और मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर थैंक यू एवरी वन थैंक यू